तेलंगाना न्यूज टुडे में आपका खैर मकदम है, आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 16 जनवरी शाम बाद नमाज मगरिब एक इंतहाई अहम इजलास आम, बहरहाल मुस्लिम नौजवानों और मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से मेरिडियन गार्डन यानि न्यू मलकपेट में प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो प्रोग्राम दीवान फंक्शन हॉल, जो दीवान बैंकट, जो बैंकट हॉल जो चादरघाट केर के बाजू है, यानी नागरा होटल नागरा के सामने चादरघाट केर है और केर के बाजू ये दीवान बैंकट हॉल है, वहाँ ये प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जिसमें सिटी इंचार्ज मिनिस्टर हमारे पुन्नम प्रभाकर साहब और फिर AICC तेलंगाना इंचार्ज जो साबिका सेंट्रल मिनिस्टर हैं दीपा दास मुंशी, वो तशरीफ़ ला रही हैं और मुस्लिम मसाइल पर भी बात होगी और फिर मुसलमानों की जानिब से उनको तहनियत पेश की जाएगी। तो जगह प्रोग्राम की तब्दील हो रही है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और उस पर इंशाल्लाह तफसीली बात होगी रात में 9:30 बजे। बहरहाल ये प्रोग्राम दीवान फंक्शन हॉल में होगा और केयर हॉस्पिटल चादरघाट की लेन में ये दीवान समझिए कि बैंक्वेट हॉल है और इंशाल्लाह पूरी आबोताब के साथ और पूरे इंतज़ामात के साथ ये प्रोग्राम होगा। और मैं तमाम मदुईन से और वो लोग जो इस प्रोग्राम में मेरिडियन फंक्शन हॉल में शिरकत करने वाले थे उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो दीवान समझिए कि हॉल पर आए और ये एक अहम समझिए कि प्रोग्राम है। इसमें मुसलमानों के तालीमी मसाइल, माशी मसाइल और नौजवानों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से इंतहाई अहम एक खाका रखा जाएगा और इंशाल्लाह उस पर अमलावरी भी की जाएगी। बहरहाल मुनाफिकीन मिल्लत रहते हैं और मिल्लत के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये बात तफसीली कल होगी। बहरहाल आपको पूरे जोश व खरोश के साथ सब्जी के दीवान बैंक्वेट हॉल आना है, इंशाल्लाह गुफ्तगू कल तफसील से करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।